गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस वीडियो इज फॉर क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इज मैथ्स, एक्सरसाइज नंबर 5.5। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा आपका, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। एस्टिमेट का मतलब होता है राउंड ऑफ करना। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? राउंड ऑफ डिजिट्स में आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मतलब हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो राउंड ऑफ में होना चाहिए। राउंड ऑफ में कैसे करेंगे? हमारे पास जो नंबर्स है ना बेटा, इनको हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। जो भी टू डिजिट नंबर होगा उसको हम नियरेस्ट टेंस या नियरेस्ट, आपके डबल डिजिट टू डिजिट के हैं तो नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करके उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? 28 को नियरेस्ट टेंस में चेंज करो तो आंसर क्या आएगा? 30। क्या आएगा बेटा? 30। बिकॉज वंस प्लेस वैल्यू को चेक करते हैं, हियर इज वंस प्लेस वैल्यू मोर देन 4। मोर देन 4 होती है तो 0 प्लेस करते हैं और टेंस प्लेस वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। यही होता है एस्टिमेशन, आप लोग पढ़ चुके हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 तो आंसर देखो 0 आ जाएगा एज इट इज़। आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12, आंसर इज 120। क्लियर? सेकंड में देखो, 30 को एस्टिमेशन करेंगे, 34 का एस्टिमेशन करेंगे, क्या आएगा? 30 आएगा। नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट किया, 30 आया, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 180, आंसर इज 180। क्लियर? आप देखो यहाँ हमने 73 का एस्टिमेशन किया, 70 मल्टीप्लाई बाय 9, 0 एज इट इज़ आ गया। 7 9 63, आंसर इज 630। एस्टिमेशन करेंगे बेटा नियरेस्ट टेंस में, हम इन्हें कन्वर्ट कर देंगे टू डिजिट जो भी नंबर होगा हमारे पास, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अब देखो पार्ट डी को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज 42 मल्टीप्लाई बाय 13। अब देखो यहाँ दोनों टू डिजिट नंबर है, ये भी टू डिजिट नंबर है, ये भी टू डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का एस्टिमेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? दोनों का एस्टिमेशन करेंगे। 40 का एस्टिमेशन, 42 को नियरेस्ट टेंस में चेंज किया 40, एंड 13 को नियरेस्ट टेंस में चेंज किया 30। क्लियर? एस्टिमेशन ठीक है। अब देखो 00 एज इट इज आ जाएगा, 4 1 4, आंसर इज 400। एस्टिमेशन डबल डिजिट का होता है बेटा, डबल डिजिट जितने भी नंबर्स में आएंगे सबका हम एस्टिमेशन कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो 57 मल्टीप्लाई बाय 21। पहले 57 का आप देखो, 57 किसका नियरेस्ट नंबर है? 60 का नियरेस्ट नंबर है, तो 60 एंड 21 का एस्टिमेशन 20 एस्टिमेशन, तो 00 एज इट इज़ आ गया, 6 2 12, आंसर इज 1200, आंसर इज 1200। Write down in your notebook and remaining parts of this question you will do yourself. Clear बेटा? इस तरीके से हम double digit का estimation करेंगे, nearest tens में change करेंगे, फिर उसका product find out करेंगे। Okay? So remaining part of this question you will do yourself. रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप करेंगे। क्लियर बेटा? डन? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेशन वाला समझ आ गया आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर टू मेरे साथ रीड करेंगे। 1 bird हैज 2 legs, एक बर्ड के कितने लेग्स हैं? 2। हाउ मैनी लेग्स टू 4 birds हैव? तो हम क्या लिखेंगे? 1 bird has 2 legs. 1 bird has 2 legs. Number, so 4 bird has, क्या लिखेंगे हम? So 2 legs. So 4 birds have, 4 birds have equals to 2 multiplied by 4 legs,
टू मल्टीप्लाई बाय 4 लैक्स 8 लैक्स कितने हो गए, 2 8 2 4 8 फोर बर्ड्स के कितने लैक्स हो गए, देखो एक बर्ड का एक बर्ड के 2 लैक्स होते हैं ठीक है, तो फोर बर्ड्स के कितने होंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने हो गए 8 लैक्स ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे बेटा, देयर आर 3 क्लाउंस इन अ शो, ईच क्लाउन हैज 12 बैलून, हाउ मैनी बैलून डू द क्लाउन हैव, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्लाउन इन शो, नंबर ऑफ क्लाउन इक्वल्स टू थ्री ठीक है। अब नंबर ऑफ बैलून इन अ क्लाउन ऐसा लिखेंगे, नंबर ऑफ बैलून एक क्लाउन में कितने बैलून्स हैं, बैलून्स इन ईच क्लाउन इक्वल्स टू 12 ओके, ईच क्लाउन में कितने बैलून्स हैं 12। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ बैलून, अब क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12 12 3 36 कितने आ गए, 12 3 36 बैलून्स, क्लियर बेटा। सो इसे भी अपनी नोटबुक में रिटर्न डाउन कर लीजिए, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू और भी डीपली समझ आ जाएगा, जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ना तो आपको जिस भी मेथड में आप कर रहे हैं उसको और अच्छे से जानने का मौका मिलता है। वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होते हैं ओके, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं आएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपने आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर मेरे साथ रीड करेंगे, इन अ गार्डन देयर आर 5 मैंगो ट्रीज, कितने मैंगो ट्री हैं एक गार्डन में, 5, ईच ट्री हैज़ 28 मैंगोज, एक पेड़ पे कितने मैंगोज हैं 28, हाउ मैनी मैंगोज आर देयर ऑन द ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, मैंगोज ट्री इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ मैंगो ट्री लिखेंगे, नंबर ऑफ मैंगो ट्री इक्वल्स टू 4, कितने नंबर ऑफ ट्रीज है मैंगो के, 5 ओके, नंबर ऑफ ट्री कितने हैं 5, आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैंगोस हैज ईच ट्री हैज, ऐसे भी लिख सकते हैं जो नोटबुक में लिखा है वही बुक में लिखा है वही लिख सकते हैं, ईच ट्री हैज ट्वेंटी एट मैंगोज ओके, तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज टोटल नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्रीज देखो बुक की लैंग्वेज ही लिखी है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके लिखना है, एज इट इज नहीं उतारना, ऑन द ट्रीज, तो क्या करेंगे बेटा,
ट्रीज कितने थे 5 और एक ट्री पे कितने मैंगोज थे 28, तो 5 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40, 4 कैरी फॉरवर्डेड, 5 2 10 प्लस 4 14, 140 मैंगोज, 140 मैंगोज, क्लियर? सो राइट डाउन इन योर नोटबुक, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे अपनी नोटबुक में रिटर्न डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको नहीं करना। फ्रेम अ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 6, वो आपको नोटबुक में नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करना है। ठीक है बेटा? ओके डन। ओके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना, इसलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना, वर्ड फ्रेम द वर्ड में ना, वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम करना है, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ए अ रेस्टोरेंट परचेसेस 16 बॉक्सेस ऑफ केचप सैशे, केचप सैशे आता है ना आपके, केचप के जो पैकेट्स बॉक्सेस आते हैं ना छोटे मिनी जैम्स के वगैरह के, जैम के और टमाटो सॉस के छोटे छोटे केचप्स आते हैं ना 15-17 रुपीज़ के, उसको सैशे कहते हैं। तो अ रेस्टोरेंट परचेज 16 बॉक्सेस ऑफ केचप सैशेस, ईच बॉक्स कंटेन 96 सैशे, एक पैकेट में कितने सैशे हैं 96 और टोटल कितने बॉक्सेस आए 16, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल हाउ मैनी केचप सैशे इन टोटल डिड द रेस्टोरेंट परचेज, तो हम क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सैशे इन ईच बॉक्स, नंबर ऑफ सैशे, टोटल नहीं नंबर ऑफ सैशे, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ केचप, नंबर ऑफ केचप सैशे इन अ बॉक्स इक्वल्स टू 96, नंबर ऑफ कितने बॉक्सेस हैं, नंबर ऑफ केचप सैशे इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितने हैं 96, कितने हैं एक बॉक्स में बेटा 96, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस कितने हैं 16, कितने बॉक्सेस हैं 16, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैशे, टोटल नंबर ऑफ सैशे टोटल नंबर ऑफ सैशे इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई बाय 16, तो देखो ये डबल डिजिट मल्टीप्लीकेशन है तो हम उसी वे में कर लेते हैं। ओके 6 6 36, 6 3 कैरी फॉरवर्डेड, 6 9 54 plus 3 57, ओके 6 मल्टीप्लीकेशन सिंबल आएगा 6 9, ऐड कर लेंगे 6 3, 1 carry forwarded, 10 plus 5 15, सो आंसर इज 15,000 1536 सैशे। ओके ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया।
क्लियर बेटा? सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश नाउ. सो योर होमवर्क इज टू एक्सरसाइज 5.5 इन योर नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना आपको. डू एक्सरसाइज 5.5 इन योर नोटबुक. क्लियर? डू एक्सरसाइज 5.5 इन योर नोटबुक. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.